एवरीवन, वेलकम एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स विटामिन सी एंड ई फेस सीरम का रिव्यू एंड डेमो। और इस सीरम को यूज करते हुए मुझे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी 3 बॉटल्स मैंने अभी यहाँ पे यूज कर ली है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस प्रोडक्ट को मैंने 6 महीने तक कम्प्लीटली यूज कर लिया है। सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो। एंड वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि इस प्रोडक्ट ने मुझे डिफरेंट सीजन में किस टाइप का वर्क किया मेरी स्किन पे और कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहेगा और आपको ये प्रोडक्ट बाय करना भी चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैकेजिंग वाइज ये नॉर्मल सी कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में आता है, जिसके फ्रंट पे लिखा है गुड वाइब्स विटामिन सी एंड ई एज डिफाइंग फेस सीरम, यानी कि ये एक एज डिफाइंग फेस सीरम है, इसमें मेंशन किया गया है। सो ये प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम पैराबेन, सिलिकन, मिनरल ऑयल एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है, इसमें मेंशन किया गया है। साथ ही में इसमें दिया गया है कि इसमें सिंथेटिक परफ्यूम का यूज नहीं किया गया है और ये नो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट है। और इसके बैक साइड पे दिए गए हैं विटामिन सी एंड ई को यूज करने के बेनिफिट्स। इनरिच्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, विटामिन सी हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। विटामिन कंटेन्स मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स दैट प्रोवाइड इंटेंस नरिशमेंट टू द स्किन। सो इस सीरम में विटामिन सी एंड ई का यूज किया है, जो स्किन में से डार्क स्पॉट्स को कम करता है, विटामिन स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड जितने भी बैड इफेक्ट होता है विटामिन सी उसको कम करने में हेल्पफुल रहता है, इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें दिया गया है हाउ टू यूज, यानी कि इसको यूज करने का तरीका। अप्लाई 2 to 3 drops ऑफ द फेस सीरम ऑल ओवर योर क्लींस्ड फेस, जेंटली मसाज ऑन टू द स्किन विद योर फिंगर टिप्स अंटिल इट फुली एब्सॉर्ब, यानी कि आपने 2 से 3 drops अपनी स्किन पे लेनी है फेस सीरम की और अच्छे से इसको मसाज करना है स्किन में जब तक कि सारा सीरम एसेंस आपकी स्किन पे अच्छे से एब्सॉर्ब ना हो जाए। एंड इसमें दिया गया है बी केयरफुल ऑफ, यानी कि इसको यूज करने से पहले आपने क्या सावधानियां बरतनी है। नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स में इरिटेट स्किन फॉर सम पीपल, डू अ पैच टेस्ट बिफोर फर्स्ट यूज, इन्ग्रीडियंट में चेंज कलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस डज नॉट affect the efficacy of the product, keep out of reach of the children, avoid contact with eyes, store in a cool and dry place for external use only, इसमें mention किया गया है। and इसमें काफी सारे ingredients का use किया है, जो main है मैं आपको वो बताती हूँ। so इसके अंदर इन्होंने castor oil का use किया है, साथ ही में इसके अंदर इन्होंने berberry extract, lemon extract और साथ ही में इसके अंदर इन्होंने rosemary leaf extract का भी use किया है, जिसके अंदर इसका प्राइस है 425 rupees एंड इसकी क्वांटिटी है 30 ml, जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट है फॉर 2 years, यानी कि आप इसको 2 साल तक यूज कर सकते हैं। सो इसमें इसका प्राइस 425 है, बट ये आपको हमेशा सेल पे देखने को मिलेगा, लाइक आपको ये 250-300 के अराउंड देखने को मिलेगा। बहुत बार पर्पल पे ये ऑफर्स पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने गुड वाइब्स के काफी सारे प्रोडक्ट बाय किए, सो इसमें ये फ्री ऑप्शन में भी मिलेगा। सो इस वैसे जो 2 सीरम्स थे उन्हें तो मैंने पे करके बाय किया, बट इनमें से जो ये एक सीरम था ना, ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला था और फ्री गिफ्ट जब मैंने इसका यूज किया मुझे काफी अच्छा लगा, उसके बाद ही मैंने पेमेंट करके इन दोनों को बाय किया था, इन दोनों सीरम्स को। सो अगर बात करें इसके अंदर के पैकेजिंग की सीरम की, तो ये पंप टाइप पैकेजिंग में आता है, व्हाइट कलर की पंप होती है इसकी एंड गोल्डन कलर की इसकी सील होती है, साथ ही में डार्क ब्राउन कलर के ये अंदर से पैकेजिंग में आता है ताकि प्रोडक्ट अंदर से खराब ना हो, इसलिए डार्क पैकेजिंग में आता है। और इसमें भी वो सारी बातें मेंशन की गई हैं जो इसकी कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में मेंशन की गई थी। सो ये है ट्रांसपेरेंट कलर पे ये आता है, आप देख सकते हैं, और फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा सीरम मैं अपने हैंड पे ले रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका कलर टेक्सचर कैसा है। सो आप देख सकते हैं एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी का ये सीरम है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली लिक्विडी कंसिस्टेंसी का ये सीरम है। एंड अब मैं इसको अपने हैंड पे मसाज कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा स्मूथ इसका टेक्सचर है, लाइक जैसे फेशियल ऑयल से हम लगाते हैं ना उतना स्मूथ स्किन हो जाती है, वैसे ही इसको लगाने में ना स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मूथ, और स्किन पे काफी अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है इन सम फ्यू सेकेंड्स आप कह सकते हैं, और 20-30 सेकेंड के अंदर ही ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी स्टिकी वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी का फॉर्मूला है। सो अगर बात करें आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक यानी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, सो पर्सनली ये सीरम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अगर आप एक ऐसा सीरम फाइंड कर रहे हैं जो स्पेशली वर्क करे फॉर ड्राई स्किन, आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे, बिल्कुल भी ड्राई आउट ना करे आपकी स्किन को, साथ ही में आपकी स्किन को काफी अच्छा ग्लो इफेक्ट दे, तो आप ये सीरम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आप
कुछ इस टाइप का सीरम फाइंड कर रहे हैं, बट उसकी जगह में अगर आप इसके इंग्रेडिएंट चेक करके इसको बाय कर रहे हैं, लाइक इसमें विटामिन सी एंड ई का यूज किया है, सो ई के तो पूरे पूरे बेनिफिट्स सारे रोल्स ये प्ले करता है, बट सी स्पेशली वर्क करता है फॉर रिमूविंग डार्क स्पॉट्स, इवन आउट स्किन टोन प्रोवाइड करता है, सो इवन स्किन ये प्रोवाइड करता है बट डार्क स्पॉट्स को ये सीरम बिल्कुल भी कम नहीं करता। अगर आप एक ऐसा सीरम फाइंड कर रहे हो जो डार्क स्पॉट्स को कम करता है, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि डार्क स्पॉट्स को फेड करने में ये वर्क नहीं करता। और उसके अलावा अगर आपको काफ़ी अच्छा एक सीरम चाहिए जो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करे, आपकी स्किन पे ग्लो इफेक्ट लाए और ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करे, तो आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं, उस कंडीशन में बाय कर सकते हैं। और इसकी पर्पल फ्लिपकार्ट लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इन दोनों वेबसाइट की प्रोडक्ट लिंक, सो वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही करते हैं खत्म, आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।